हे गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड मिनी प्रोजेक्ट का नाम होगा वोटिंग सिस्टम यूजिंग पाइथन। सो अब तक हमने बहुत कुछ पाइथन सीखा है, उस पाइथन का यूज करके हम एक सिंपल मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मिनी प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होने वाला है, कैसे डिजायर्ड आउटपुट दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरा प्रोजेक्ट है cd डेस्कटॉप। देन यहाँ पे आप पाइथन लिखिए और पाई लिखिए, जो भी वर्क करता है आप वो यूज कीजिए, ये वर्जन पे डिपेंड करता है। एंड प्रोजेक्ट डॉट पाई फाइल का नेम है, मैं एंटर करता हूँ। सबसे पहले ये पूछेगा एंटर द नेम ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट एज इट इज अ वोटिंग सिस्टम। सो जो कैंडिडेट है जिसको हम वोट करेंगे उसका नाम ये पूछेगा। सपोज मैं डाल देता हूँ सचिन। एंटर द नेम ऑफ सेकंड कैंडिडेट, सपोज मैं डाल देता हूँ जय। तो ये बोलेगा कि सेटअप कंप्लीट है, वोटिंग स्टार्टेड। ये पूछेगा एंटर यूर आई डी। नाउ एक वोटर आएगा, ये वोटर को उसका आई डी पूछेगा। अब पहले ही आईडी उसने सेव करके रखे है, आईडी है 10121061। सो एक ही बार वोटर वोट कर सकता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 101 एंटर आईडी। सो ये पूछेगा किसको वोट करना है आपको, एंटर यूर चॉइस। सपोज मैं डालता हूँ 1। सपोज यूजर को सचिन को वोट करना है तो यूजर 1 डालेगा। एंटर करने के बाद ये बोलेगा कि यू वोटेड सचिन। देन एंटर यूर आईडी। दूसरा वोटर आ जाएगा, सपोज उसका आईडी है 103 एंड वो वोट करता है जय को। सो वो 2 एंटर करेगा, यू वोटेड जय उसके सामने डिस्प्ले होगा। सपोज 104 आता है। देन ये सपोज सचिन को वोट करता है, यू वोटेड सचिन। अगर 103 बाद में फिर से आता है वोटिंग करने को तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। यू कैन सी हियर मैं 103 डालता हूँ, ये बोलेगा यू ऑलरेडी वोटेड। अगर 1110 आता है जो कि वोटर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एंटर करने के बाद ये बोलेगा कि यू आर नॉट वोटर। सो अब 102 आएगा। 102 आने के बाद उसको ये पूछेगा कि आप किसको वोट करना चाहते हैं। सपोज ये सचिन को वोट करना चाहता है, सो यू वोटेड सचिन। देन अब 106 बाकी है, ये जय को वोट करेगा सपोज, तो यू वोटेड जय। सो 105 वोट करता है सपोज जय को, ये देखिए। देन वोटिंग अब खत्म हो चुका है, वोटिंग इज ओवर, सभी ने वोट किया है। और यहाँ पे टाई हुआ है, दोनों को सेम वोट्स मिले हैं। अगर सचिन को ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो सचिन यहाँ पे प्रिंट होता, सचिन वॉन द वोटिंग। अगर जय को मिलते हैं तो जय वॉन द वोटिंग, ऐसा यहाँ पे प्रिंट होता। तो इस तरीके से ये सिंपल एप्लीकेशन काम करेगा। यहाँ पे हम यूजर इंटरफेस नहीं बना रहे, यूजर इंटरफेस हम बनाएंगे जब हम टिक इंटर सीखेंगे। और भी बहुत कुछ चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जब हम थ्रेडिंग वगैरह एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखेंगे तब हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी पाइथन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ये सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलिए प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम इन्वायरमेंट सेट करते हैं, यूजर से नाम पूछते हैं कैंडिडेट्स का। इनपुट फंक्शन का मैं यूज करूंगा एंड यूजर को मैसेज देता हूं एंटर फर्स्ट कैंडिडेट नेम, फर्स्ट कैंडिडेट नेम। एंड जो भी आएगा वो एक स्ट्रिंग आएगा, उसको हम डालते हैं एक वेरिएबल में, दैट इज द कैंडिडेट 1 वेरिएबल। देन एक और वेरिएबल बनाते हैं फॉर द कैंडिडेट 2, सेम मैसेज देते हैं एंटर सेकंड कैंडिडेट नेम। अब नेम लेने के बाद मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने होंगे, 2 काउंटर्स बनाने होंगे फॉर काउंटिंग देयर वोट्स। सो कैंडिडेट 1 के वोट्स होल्ड करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, दैट इज अ कैंडिडेट 1 वोट्स एंड इनिशियलाइज करता हूँ विद द 0, क्योंकि इनिशियली 0 से स्टार्ट होगा काउंटिंग। देन कैंडिडेट 2 के लिए एक वेरिएबल एंड इसका भी मैं सेट करता हूँ 0। देन मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट होल्ड करेगा वोटर्स आईडी, मतलब जो लोग वोट करने वाले उनको एक आईडी असाइन किया जाएगा, वो आईडी यूनिक होगा, ताकि जो यूजर है मतलब जो वोटर्स है वो बार बार वोट ना कर सके, एक ही बार वोट कर सके। सो इसके लिए मैं वोटर्स आईडी एक लिस्ट बनाता हूँ एंड इसमें सपोज है 101 102 103 104 105 एंड 106, 6 वोटर्स है। देन मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ दैट इज अ नंबर ऑफ वोटर्स, कितने लोग वोट करेंगे, दैट इज अ लेंथ ऑफ वोटर्स आईडी। सो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर सकता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ दैट इज अ नंबर ऑफ वोटर्स, कितने नंबर ऑफ वोटर्स। सो नंबर ऑफ वोटर्स है दैट इज अ नंबर ऑफ वोटर्स वेरिएबल्स। देन मैं एक लिस्ट बनाता हूँ दैट इज अ वोटेड, जिसका नाम है जो जो वोट करेंगे। सपोज 103 ने वोट किया, वोट करने के बाद वोटेड में उसको अपेंड किया जाएगा। सो इसमें से रिमूव किया जाएगा, इसमें अपेंड किया जाएगा। सो वोटर्स आईडी सपोज 102 ने वोट किया। सो अब 101 103, 104, 105 एंड 106 ही बचे हैं वोटिंग करने के। 102 को रिमूव कर दिया जाएगा एंड वोटेड में डाल दिया जाएगा। देन हम एक लूप बनाते हैं, दैट इज अ व्हाइल लूप, ये हमेशा ट्रू रहेगा। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, इफ ये जो वोटर्स आईडी का लिस्ट है क्या वो एम्प्टी है, वोटर्स आईडी इक्वल टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी है मतलब ये एम्प्टी हो गया तो सारे लोगों ने वोटिंग कर दिया, तो हम एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट वोटिंग इज ओवर। सो वोटिंग ओवर होने के बाद हमें रिजल्ट प्रिंट करना पड़ेगा। देन हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे इफ, सो कैंडिडेट वन वोट्स में आएंगे वोट्स कैंडिडेट वन के लिए। सो हम क्या करेंगे, सपोज 101 ने वोटिंग किया, 101 ने कैंडिडेट वन के लिए वोटिंग किया, तो कैंडिडेट वन अंडरस्कोर वोट्स जो वेरिएबल है उसको एक से इंक्रीमेंट करेंगे। सो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इफ कैंडिडेट वन वोट्स अगर ग्रेटर देन है कैंडिडेट टू वोट्स से, तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है एक मैसेज, मैसेज रहेगा एक यफ स्ट्रिंग, दैट इज कैंडिडेट वन वॉन द इलेक्शन। एंड यहाँ पे हम वोट भी प्रिंट करवा सकते हैं विथ कितने वोट्स मिले उसको, कैंडिडेट वन अंडरस्कोर वोट्स, क्योंकि इसमें वोट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, कैंडिडेट टू के वोट्स ज्यादा है, इज ग्रेटर देन कैंडिडेट वन वोट्स। सो इस केस में कैंडिडेट टू विन हो चुका है। प्रिंट करते हैं हम एक एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखते हैं कैंडिडेट टू वॉन द इलेक्शन विथ कितने वोट्स, दैट इज अ कैंडिडेट टू वोट्स। एल्स थर्ड कंडीशन हमारी रहने वाली है, दैट इज दोनों के वोट्स सेम है, मतलब 6 वोटर से 3 लोगों ने कैंडिडेट 1 को वोट किया, 3 लोगों ने कैंडिडेट 2 को वोट किया। सो कैंडिडेट 1 वोट्स इज इक्वल कैंडिडेट 2 वोट्स। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम प्रिंट करेंगे एक मैसेज, दैट इज टाइड, एंड जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो अब उनके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर वोटर्स आईडी गाइस एम्प्टी नहीं है, इसमें कुछ लोग हैं जो कि वोट करना उनका बाकी है, सो हम क्या करेंगे, उनसे वोट लेंगे। सो एल्स में ये रहेगा, यूजर से एक इनपुट लेंगे, दैट इज एंटर योर आईडी, एंड जो भी यूजर एंटर करेगा वो एक इंटेजर वैल्यू होगी। सो हम टाइप कास्ट करेंगे इंटेजर में, देन असाइन करेंगे एक वेरिएबल के साथ, दैट इज अ वोटर वेरिएबल। देन यूजर के सामने एक मैसेज दिखेगा, दैट इज कि वन कैंडिडेट वन का नाम, देन दूसरा ऑप्शन होगा कैंडिडेट टू का नाम। यूजर से चॉइस पूछा जाएगा एंड देन यूजर उसकी चॉइस एंटर करेगा। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ जो वोटर है वोटर इन वोटेड में है, मतलब यूजर ने पहले से ही वोटिंग करके रखा है, मतलब 101 ने वोटिंग किया है, वोटेड में उसको अपेंड किया गया है एंड वो फिर से वोटिंग करने आता है, तो इस केस में इफ वोटर इन वोटर आईडी होता है, वोटर में होता है, वोटेड होता है, तो प्रिंट करेंगे यू ऑलरेडी वोटेड। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए एल्स कंडीशन देंगे हम, मतलब यूजर ने वोट नहीं किया है अभी तक, वो वोटेड में नहीं है। सो यूजर को हम पूछेंगे कि इसमें से चॉइस आप सिलेक्ट करो। सो एफ स्ट्रिंग बनाता हूं मैं चॉइस लिखने के लिए, 1 डॉट यहाँ पे होगा कैंडिडेट 1 का नाम, देन स्लैश एन करके दूसरे लाइन पे ले जाता हूं मैं, 2 डॉट यहाँ पे होगा कैंडिडेट टू का नाम, एंड देन यूजर को मैं पूछूंगा चॉइस, दैट इज प्रिंट, और यूजर से इनपुट लेता हूं, इनपुट एंटर योर चॉइस। सो जो भी चॉइस एंटर करेगा वो यूजर एक इंटेजर होगा 1 और 2 में से, सो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटेजर में। एंड देन हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज चॉइस वेरिएबल। अब यूजर ने जो चॉइस किया है उसके अकॉर्डिंग हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ये जो वेरिएबल्स है ना, कैंडिडेट 1 वोट्स, कैंडिडेट 2 वोट्स, उनको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो अगर यूजर इफ चॉइस इक्वल 1 होती है यूजर की, मतलब यूजर किसको वोट दे रहा है, कैंडिडेट 1 को वोट दे रहा है, सो कैंडिडेट 1 का जो काउंटर है वो क्या है, कैंडिडेट 1 अंडरस्कोर वोट्स, उसको हमें 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, एंड साथ ही यूजर के सामने प्रिंट करना पड़ेगा एक एफ स्ट्रिंग, दैट इज यू वोटेड दिस कैंडिडेट, दैट इज अ कैंडिडेट 1। अगर यूजर दो चॉइस सिलेक्ट करता है, मतलब ये चॉइस नहीं यूजर की, तो हम लिखेंगे एलिफ। चॉइस अगर यूजर की 2 है तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट 2 का ओट्स 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। कैंडिडेट 2 का ओट्स मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है एंड प्रिंट करना है सेम एफ स्ट्रिंग दैट इज यू ओटेड कैंडिडेट 2। इसे एफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। अब गाइज वोटर आईडी से रिमूव करना पड़ेगा वोटर को। सो वोटर आईडी जो हमारी लिस्ट है, ऊपर यू कैन सी हियर, ये हमारी लिस्ट है वोटर्स आईडी। यहाँ पे वेरिएबल्स का थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। मैं देखिए वोटर आईडी लिखा, वोटर्स आईडी है, सो वो बाद में हम करेक्ट कर लेंगे। डॉट, उसमें से अब हमें रिमूव करना है दैट इज अ वोटर। वोटर मतलब जो यूजर से हमने आईडी लिया है, यूजर आया है वोटिंग करने के लिए, उसने आईडी दिया है, सो वो आईडी वोटिंग करने के बाद रिमूव किया जाएगा एंड नाउ उसको अपेंड किया जाएगा दैट इज वोटेड में वोटेड डॉट अपेंड दैट वोटर आईडी। लेकिन गाइज यहाँ पे एक कंडीशन है, हमारी एक कंडीशन थी कि बिफोर वोटिंग करने से पहले हमें ये भी चेक करना था कि क्या वोटर प्रेजेंट है वोटर्स आईडी में, मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं। सपोज यूजर 1000 डालेगा, क्या उसको परमिशन दी जाएगी? बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सो एल्स में बिफोर वोटिंग हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ वोटर इन वोटर्स आईडी। सो ये जो ऊपर लिखा है ये सिर्फ चेक करेगा कि यूजर ने पहले वोट किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो देन चेक किया जाएगा कि वोटर वोटर्स आईडी में है या नहीं। अगर है तो यूजर को वोटिंग करने की परमिशन दी जाएगी। सो हमें इसको इंडेंट करना पड़ेगा, तो पूरे को इंडेंट कर लेते हैं। आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी इंडेंट कर सकते हैं। ओके, लेकिन गाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके लिए भी एल्स लिखना पड़ेगा। अगर ट्रू होती है, मतलब वोटर वोटर्स आईडी में है, तो वोटर क्या करेगा, वोट करेगा। अगर नहीं है तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा कि यू कैन नॉट वोट और यू आर नॉट अलाउड टू वोट, यू आर नॉट अलाउड टू वोट। देन गाइज आफ्टर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। सो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हमें ब्रेक करना पड़ेगा, व्हाइल लूप से बाहर आना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज अ ब्रेक। सो गाइज ये है हमारा एक सिंपल वोटिंग एप्लीकेशन। इसको करते हैं अब रन। सो पावर शेल में डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप में project1.py नाम का फाइल है, तो मैं लिखता हूँ पाय, project1.py नाम का फाइल है। ये पूछेगा एंटर द फर्स्ट कैंडिडेट नेम। सपोज मैं मेरा नाम डाल देता हूँ दैट इज शंतनु। एंटर द सेकंड कैंडिडेट नेम, सपोज है सचिन। एंटर, देखिए नंबर ऑफ वोटर्स प्रिंट हो रहा है दैट इज 6 वोटर्स है, हैविंग आईडी 10122106। यूजर को पूछा जाएगा एंटर यूर आईडी, यहाँ पे हम कोलन देंगे। ठीक है, अभी कोलन नहीं है तो कुछ नहीं होता। 101 मैंने एंटर किया। देन यहाँ पे एक एरर आ रहा है दैट इज अ कैंडिडेट 2 इज नॉट डिफाइंड। इस एरर को अब रिमूव करते हैं। सो रिमूव करने के लिए चलिए कोड में आते हैं, और यहाँ पे हमसे गलती हुई है, वेरिएबल हमने कैंडिडेट 2 देना था। फिर से सेव करता हूँ एंड फिर से मैं इसे रीरन करता हूँ। फिर से ये पूछेगा एंटर कैंडिडेट नेम, यस मैंने डाल दिया। सपोज दूसरा जय है, नंबर ऑफ वोटर 6 है, सपोज मैंने डाल दिया 101। यहाँ पे पूछा जाएगा ऑप्शन, किसको वोट करना है, शंतनु को कि जय को। सपोज ये डालता है शंतनु को, चॉइस इसने 1 एंटर किया। यहाँ पे एक मैसेज आ गया यू वोटेड शंतनु। देन एंटर यूर आईडी, दूसरा यूजर आ गया, उसने डाला 102। उसके सामने भी ये दिखाया जाएगा, सपोज इसने दिया जय को वोट, 2 डाला, तो यू वोटेड जय आएगा। सपोज 101 फिर से आता है वोटिंग करने के लिए, उसने आईडी डाला 101, ये बोलेगा कि यू ऑलरेडी वोटेड। सो 101 दो बार वोट नहीं कर सकता है। सपोज 103 आता है तो उसके सामने भी ये मैसेज दिखाया जाएगा, 1 को ये वोट करेगा, सो आएगा यू वोटेड शंतनु। अब सपोज 100 नाम का, जो कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 1000 नाम का आईडी लेकर कोई आता है, एंटर करने के बाद यू आर नॉट अलाउड टू वोट आएगा। तो ये जो गाइज हम आईडी यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में एक आधार कार्ड नंबर होता है। ओके, सो हम यहाँ पे पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं डाल रहे, हम सिर्फ यहाँ पे एक सिंपल सा ऐसे सपोज कीजिए कि 102 एक आधार कार्ड नंबर है। ये फिर से आईडी पूछेगा 104, सपोज ये फिर से शंतनु को वोट करता है, यू वोटेड शंतनु। 105 आता है, ये भी शंतनु को वोट करता है, यू वोटेड शंतनु। सपोज 106 आता है एंड ये जय को वोट करता है। सो गाइज ये इलेक्शन खत्म हो गया, सारे लोगों ने वोट कर दिया है 101 टू 106 आईडी के। यहाँ पे देखिए वोटिंग इज ओवर करके एक मैसेज आया, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया कि रिजल्ट कैलकुलेट हुआ, शंतनु वॉन द इलेक्शन विथ 4 वोट्स। यहाँ पे हम एक अच्छा सा मैसेज भी देंगे विथ 4 वोट्स, आप वो इम्प्रूव करके देखिए। सो यहाँ पे शंतनु जीत गया है वोटिंग। सो दिस इज अ वोटिंग सिस्टम गाइस, सिंपल वोटिंग सिस्टम। इसको हम और भी इम्प्रूव करेंगे बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, बाय यूजिंग थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग करेंगे। सो ये था सिर्फ पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक सिंपल वोटिंग सिस्टम। तो गाइस सबसे फर्स्ट हमने 2 यूजर से इनपुट लिए, कैंडिडेट्स के नेम्स कैंडिडेट 1 एंड कैंडिडेट 2, 2 वेरिएबल्स बनाए। देन हमने 2 काउंटर्स क्रिएट किए, कैंडिडेट 1 वोट्स एंड कैंडिडेट 2 वोट्स। दोनों को इनिशियलाइज किया विद द वैल्यू 0, क्योंकि दोनों का जो वोटिंग है वो 0 से स्टार्ट होने वाला है वोटिंग काउंट। देन हमने एक लिस्ट बनाया जो कि कंटेन करता है वोटर्स के आईडी, मतलब 6 लोग हैं जो कि वोट करेंगे, हर एक को एक आईडी असाइन किया गया है एंड ये लिस्ट उन आईडीज को कंटेन करता है। देन हमने लेन फंक्शन का यूज करके नंबर ऑफ वोटर्स कैलकुलेट किए, मतलब इतने सारे वोटर्स है, सिर्फ इस लिस्ट का एक लेंथ निकाला एंड उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया। देन हमने नंबर ऑफ वोटर्स प्रिंट किए। देन मैंने एक लिस्ट बनाया दैट इज अ वोटेड नाम का, जो वोट करेंगे। सपोज 102 ने वोट किया तो उसको अपेंड किया जाएगा इस लिस्ट में। ये लिस्ट हम मेंटेन कर रहे हैं ताकि एक यूजर 2 बार वोट ना करें। देन हमने एक वाइल लूप लगाया। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि वोटर्स आईडी एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होती है मतलब सबने वोट्स किया है, इसका मतलब क्या है कि वोटिंग ओवर है। हम ये मैसेज प्रिंट करेंगे। देन हम रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस कोड। आफ्टर रिजल्ट कैलकुलेशन हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि कौन जीता, और टाई हुआ है तो टाइड प्रिंट करेंगे एंड देन उसके बाद ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद हम इस व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन गाइज अगर वोटर आईडी एम्प्टी नहीं है, मतलब कोई बचा है जिसने वोटिंग नहीं किया है, तो क्या होगा, उसको वोट करने को बोला जाएगा। सो एल्स में हम आ जाएंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स पार्ट में आने के बाद सबसे पहले उसको पूछा जाएगा कि आपका आईडी क्या है, वो आईडी एंटर करेगा, उसको इंटेजर में कन्वर्ट करके एक वेरिएबल में रखा जाएगा, वोटर वेरिएबल। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि वोटर क्या वोटेड में है, अगर है तो उसने ऑलरेडी वोट किया है, उसके सामने ये मैसेज दिया जाएगा एंड देन उसको परमिशन नहीं दी जाएगी ऑफ वोटिंग। एल्स अगर मतलब उसने वोट नहीं किया है तो ये सबसे पहले चेक किया जाएगा कि क्या वोटर्स आईडी में वो है, मतलब उसको क्या वोटिंग करने की अनुमति है। जी हाँ, अगर होती है तो उसके सामने 2 मैसेज आ जाएंगे, दैट इज कैंडिडेट 1 का नाम एंड कैंडिडेट 2 का नाम। सो उसको 1 और 2 एंटर करना है। वहां पे बटन्स होंगे, अगर यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो वो चॉइस एंटर करेगा। अगर चॉइस 1 एंटर करता है तो ये काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, ओके एंड उसके सामने ये मैसेज दिखेगा। अगर वो चॉइस 2 एंटर करता है तो कैंडिडेट 2 का एक वोट इंक्रीज होगा, उसके सामने ये मैसेज दिखेगा। देन आफ्टर वोटिंग उसको रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द वोटर, वोटर्स आईडी से उसको रिमूव किया जाएगा। सो वोटर्स आईडी कंटेन करता है ऐसे वोटिंग के आईडीज जो कि वोट करने वाले, तो उसमें से उसको रिमूव किया जाएगा। अब वो उसने वोट किया है, देन उसको अपेंड किया जाएगा वोटेड के साथ। तो यहाँ पे वोटेड डॉट अपेंड वोटर है। एल्स अगर ये देखिए ये इफ का एल्स है, मतलब अगर वोटर्स आईडी में यूजर का वोट नहीं होता है, मतलब आईडी नहीं होता है, सो उसके सामने एक मैसेज आ जाएगा दैट इज यू आर नॉट अलाउड टू वोट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।